हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। अगर आप आर्मी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एएफएमसी व आर्मी के अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा गर्ल्स कैंडिडेट को 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाकर मिलिट्री हॉस्पिटल में ऑफिसर पद पर सर्विस दी जाती है। इसमें परमानेंट सर्विस कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में मिलिट्री जो नर्सिंग सर्विस है उसमें सेवा करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है। वैसे हर जगह ग्रेजुएट कैंडिडेट के बाद ही ऑफिसर रैंक की सर्विस मिलती है, लेकिन यहाँ पर 12वीं पास करने के बाद ही बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद सेना में ऑफिसर रैंक पर सर्विस करने का मौका मिलता है। मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सीट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और अप्लाई कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर सही समय पर दी जाती है। अब हम इसमें बात करें कि इसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करें, कैसे अप्लाई करें और इसकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया सीट क्या है, इसके बारे में जानकारी कैसे लें। तो सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इनकी वेबसाइट पर विजिट करना है। जैसे इसकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, बीएससी नर्सिंग 2020 लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। इसमें लिखा है कि ये एप्लीकेशन इनवाइट की गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स है, आर्मी के इंस्टीट्यूशन द्वारा करवाया जाता है और इसमें शॉर्ट और परमानेंट सर्विस कमीशन की पोस्ट पर डेप्यूट किया जाता है। इसमें आगे हम सीट के बारे में देखें, इसमें तो इसमें टोटल ये 6 सेंटर्स हैं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है। सबसे पहले एएफएमसी पुणे में 40 सीट्स हैं, इसके बाद सीएचईसी कोलकाता में 30 सीट्स हैं, आईएनएचएस अश्वनी में 40 सीट्स हैं, एएचआरएनआर न्यू दिल्ली में 30 सीट्स हैं और सीएससीसी लखनऊ में 40 सीट्स हैं, सीएचएएफ बेंगलोर में 40 सीट हैं। इन सबको मिला के टोटल यहाँ 220 सीट्स हैं इसमें, यानी 220 सीट्स के लिए ये बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है आर्मी के इंस्टीट्यूशन द्वारा। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करें तो इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड हैं, डाइवर्स्ड हैं और लीगली सेपरेटेड हैं और विडो हैं। इसके बाद में जो नेशनलिटी होना चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, वो भी एक ही अटेम्प्ट में पास होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहिए ये। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसमें बोटनी और जूलॉजी, इसके साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स होना अनिवार्य है। इसमें जो 12th के अपेयरिंग स्टूडेंट हैं यानी इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की तो इसमें मेडिकली फिजिकल फिट होना चाहिए। इसमें चेस्ट और यूएससी का एक्सरे लिया जाता है। इसके बाद में जो मिनिमम हाइट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 cm है। इसके बाद में जो गोरखाज और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कैंडिडेट हैं, गढ़वाल हैं, कुमाऊ हैं, तो इनके लिए जो मिनिमम हाइट है 148 cm होना जरूरी है। इसके बाद में हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सिलेक्शन के लिए ये यहाँ अप्लाई करने के बाद, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एलिजिबल कैंडिडेट के लिए उनको ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी इसमें सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो 90 मिनट्स का होगा। तो इनको ये एग्जाम अप्रैल 2020 के नियर बाई होने की संभावना है और इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे वो जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। इसके बाद में ये जो मेरिट निकलेगी इनकी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की जो मेरिट निकलेगी उसमें मई के महीने में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन के लिए एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अभी इसमें बात करें हम 10th
टेस्ट सेंटर की। तो इसमें टेस्ट सेंटर जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस समय आपको सारे सेंटर्स दिखाई देंगे, इसमें पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर ये सेंटर दिया जाएगा। अगर सेंटर खाली हुआ तो दूसरा सेंटर भी मिल सकता है, नहीं तो आपको इसको पहले अप्लाई करना होगा। इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई सेंटर चेंज के लिए कॉरेस्पोंडेंस वगैरह और रिक्वेस्ट वगैरह मान्य नहीं होगा। अब इसकी अप्लाई के लिए आपको सबसे पहले www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। ये फॉर्म 14 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी लास्ट डेट 2 दिसंबर 2019 है। इसमें आपको ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, वही आपका यूजर आईडी होता है, पासवर्ड आप खुद सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको आगे इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दूंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। इसके बाद में जो इसकी एप्लीकेशन फीस है वो 750 रुपीज है। ये एप्लीकेशन फीस आपको एप्लीकेशन फिल करने के बाद में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग वगैरह से जमा करनी होगी। इसके बाद में आप बैंक रेफरेंस नंबर DU का प्रिंट लेना होगा। ये फीस आप 2 दिसंबर 2019 शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं इसमें ऑनलाइन से। इसके बाद जो एडमिट कार्ड है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए वो joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे 3 मार्च 2020 में, और कोई भी एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट हैं वो ये है कि कैंडिडेट को यह चेक कर लेना है कि उसके एप्लीकेशन फीस है उसके बैंक अकाउंट से डेबिट हो गई है और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद में आपने पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लेना है फाइनल सबमिशन से पहले। इसके बाद में एक कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है एप्लीकेशन फीस का। एडमिट कार्ड उन्हीं कैंडिडेट का जनरेट किया जाएगा जिनका फीस सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है, पेमेंट हो गया है, उसके बाद ही एडमिट कार्ड आएगा। इसके बाद में जो एप्लीकेशन है वो पोस्ट द्वारा या डाक द्वारा आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ऑनलाइन होने के बाद कंप्लीट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी कॉरेस्पोंडेंस और जो रिक्वेस्ट है रिफंड के रिगार्डिंग वो मान्य नहीं होगा इसमें। इसके बाद में इसमें हम आगे बात करें कि ये जो ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं ये आपको सिलेक्शन के टाइम में फाइनल सिलेक्शन के टाइम में प्रोड्यूस करने होंगे, वो ओरिजिनल ही करने होंगे, वो डुप्लीकेट नहीं चलेंगे इसमें। इसके बाद में हम आगे बात करें इसमें जो आपको ईमेल आईडी और वो मोबाइल नंबर देना है वो एक्टिव देना है, क्योंकि इसमें जो आगे कॉरेस्पोंडेंस वगैरह होता है वो ईमेल आईडी और मेल पर ही होता है। इसके बाद में आपने जो एडमिट कार्ड हैं वो इसकी वेबसाइट पर डाउनलोड कर लेने हैं, और ये जो रिजेक्ट एप्लीकेशन का स्टेटस है ये मार्च 2020 के 3rd week में आपको एडमिट कार्ड से पहले इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। जो रिजेक्शन हो सकता है उसके जो कारण हैं वो हैं, अगर आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म एक से ज़्यादा भर दिया है, या फिर आपने पेमेंट जमा नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये हैं इसके रीजन। इसमें कॉरेस्पोंडेंस के लिए आगे एड्रेस दिया गया है, इस पर आप बाय डाक भी कॉरेस्पोंडेंस कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-230-9294 दिया गया है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। इसके बाद में ईमेल आईडी दिया गया है PLAN.PLAN15@NIC.IN, इस पर भी आप मेल भी भेज सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई के लिए पहले आपको joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाने के बाद यहां इंटर कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, और कैप्चा कोड डालने के बाद इंटर वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ ऑफिसर एंट्री अप्लाई ओब्लिक लॉगिन लिखा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का। तो आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगे, उसके बाद में
कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इसमें पूरी डिटेल भरनी है। ये आपके आधार नंबर आपके पास है तो आधार नंबर पर क्लिक करना है, नहीं तो इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। आधार नंबर वगैरह की कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है और उसके बाद में मोबाइल नंबर भरना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने बिल्कुल करेक्ट भरना है क्योंकि आगे कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद में चेक बॉक्स पर चेक करके आगे सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके मेल आईडी पर ये पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करना है, यूजर नेम पर क्लिक करना है तो यूजर नेम पर आप अपने ईमेल आईडी डालेंगे जो आपकी रजिस्टर्ड है, अभी आपने रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी डालने के बाद में पासवर्ड जो आपके मेल पर आ रखे हैं वो पासवर्ड डालने हैं। इसके बाद में इंटर कैप्चा कोड डाल के फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में फॉर्म को फिल करना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं, उसके बाद में पेमेंट करके सबमिट कर देना है। तो ये जानकारी थी ये फॉर्म के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।